उन्होंने एक बहुत ही मैं समझना वेलकमिंग गल की है कि अगे तो जेडे सील्ड लिफाफिया के रिपोर्ट्स आदि हैं वह भावें ड्रग न रिलेटिड हो किसी चीज़ ना होना कहा मैं कोई एक्सैप्ट नहीं करूँगा जो भी गल कहनी है खुलेआम कहो। तो असी स्पेशली मैं अज पंजाब विधानसभा तो बाहर पंजाब ना रिलेटिड ड्रग्स के मुद्दे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नू अपील करांगा कि वह सुओ मोटो जिहड़ियां इत्थे तीन या चार सील्ड कवर दे विच कई सालों दी ड्रग दे रिलेटिड रिपोर्ट्स पईआं ने जिहदे विच आम तौर यह गल कहनी है कि बहुत उच्च अधिकारी तो बहुत सारे इंपोर्टेंट बंदियां दे नाम दे विच ने असीं चाहांगे कि उन्हूं छाया कीता जाए। इन नैशनल इंट्रस्ट एंड द इंट्रस्ट ऑफ पंजाब जिहड़ा बहुत वड्डा शिकार है नशियां दा उहदे विच हिंदुस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जदों खुद गल कही है कि सील्ड कवर्स असीं अगे तो एक्सैप्ट नहीं करांगे मैं उन्होंने बेनती करूँगा सुओ मोटो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जिहड़ियां रिपोर्टां पईआं सील्ड कवर्स कई सालों दी जिहड़ा मैं समझना सही मायने च जस्टिस नूं रोकना है जस्टिस देनी नहीं जस्टिस नूं रोकना है उन्हां सील्ड कवर्स नूं इमीजिएटली खिलाया जाए। बाकी गल तो असीं करांगे बट सारे नूं इंपोर्टेंट गल ये है जिहड़े परपेट्रेटर्स ने ड्रग ट्रेड के जिन्हों का वड्डा हथ है ये जे उन्होंने ना जनतक अजे तक नहीं करते आप होर एक्सपैक्ट की सरकार को कर सकते हैं। मैं मौजूदा सरकार को भी यह गल कहूँगा कि तुसी अपने एडवोकेट जनरल की स्पेशली ये ड्यूटी लगाई जाए कि क्यों नहीं खुलवाते एक साल हो गया इन्हों की सरकार आई अज तुसी अंदर डिस्कशन रख लीए डिस्कशन चो निकलेगा कि जे असी वो इंपोर्टेंट बंदे जेड़े ने उन्हों का ना नशर करने राजी नहीं असी हाई कोर्ट से जाके बेनती करने राजी नहीं कि क्यों रिपोर्ट्स जिहड़ियां ने बंद पईआं ने ये कोई नैशनल सिक्योरिटी का सवाल थोड़ा साडे नौजवान बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है जे असी उन्हां विच भी कोई कदम उठाने नूं राजी नहीं तो इहो जिहियां डिस्कशनस कराउण दा लाभ की होएगा पंजाब विधानसभा मैं पुछना चाहता। बाजवा साहब एक हिमाचल प्रदेश दे वल्लों जिहड़ा पानी ते सियासत लगाया गया उस दे खिलाफ भी अज रेजोल्यूशन वेखो जिहड़ा रेजोल्यूशन लैके आए ने उहते डिस्कशन होएगी असी पंजाब दे इंट्रस्ट दे नाल 100% जो भी रेजोल्यूशन लैके आएंगे असी उहदे नाल सहमति प्रगटावांगे मोढ़े ना मोढ़ा रला के कदम ना कदम रला के चलांगे। पंजाब नूं कोई भी एडिशनल असी सेस भावें हिमाचल वालों होए भावें किसी वालों होए नहीं लान दिता जाएगा जी। अज दे माहौल जिहड़ा माहौल चल रहा पंजाब दे विच फड़ोफड़ी वाला एनएसए लगाया जा रहा वेखो ये सारी गल मैं अज एडजॉइनमेंट मोशन मंगी है मेरा ख्याल है इन द इंट्रस्ट ऑफ पंजाब देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन विच भगवंत मान विल हैव टू ऑफ आंसर जिहड़े पंजाब दे लोग अपने सवालों के जवाब भगवंत मान को चाहते ने मैं वक्त मंगागा मैनू आस है कि कुलतार सिंह संधवा जी उत्थे अंदर सानू मौका देंगे गल कर क्योंकि जिहड़ा एक्शन होया ये कई सारी चीज़ा जिहड़ियां ने पंजाब दे लोग जानना चाहते हैं एज अ मेन ओपोजिशन असी जानना चाहते हैं भगवंत मान नू ये बकायदा तौर क्लैरिफिकेशन देनी होएगी वो जिहड़ियां चीज़ा ने मैं अंदर मैनशन करांगा जे ना मौका देंगे फिर बाहर आके तुहाडे नाल फिर देखो गल इस तरह जिहड़ी भाजपा की गल है वह तो तुहानू मैं पहले ही दस्सिया सी भगवंत मान आंदे टाइम विच एक नाथ शिंदे बनेगा अज केजरीवाल ने खुद तस्लीम कर लिया कि असी तो सेंटर का जॉइंट ऑपरेशन सी जिहड़ा असी कहिंदे सी कि ऑलरेडी रले ने बी टीम है भाजपा दी बी टीम है भाजपा का भी सौरद 2024 दी पार्लीमेंट इलेक्शनस उन्होंने पंजाब के मुद्दे से आ जड़े अज हालात इन्होंने बनाए ने इन्होंने खुद बनाए हुए ने उदे ते लड़ना चाहणगी ते इन्हां कोल एक साल तो बाद इन्होंने एक पीसफुल पंजाब नू एक अनरेस्ट करके आ इन्हां दे एक साल का जिहड़ा सारे वड्डी उपलब्धि भगवंत मान की एक जिहड़ी शांतिपूर्वक सूबा इन्हां नू दिता गया सी वोटां दे विच अज टोटल सूबे विच अशांति है टोटल इंटैलीजेंस फेलियर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कल पुछिया कि 80,000 अफसर ते पुलिस वाला तुहाडे कोल पुलिस फोर्स 80,000 दी की ये इंटैलीजेंस फेलियर नहीं कि पंजाब पुलिस का फेलियर नहीं कि 80,000 आदमी एक व्यक्ति नू गिरफ्तार ना कर पाए अजे बहुत सारे सवाल ने के स्पेशली ਸਾਂਪੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ
ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸੇਗੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 92 ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ, 92 ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੇ 1000 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ।